आज आपको इलेक्शन के मौजू पे, क्योंकि कहीं ना कहीं किधर ना किधर 25 साल के सियासती नुमाइंदगी की जिंदगी के अंदर आप में तो आपके कोई रिश्तेदार या दोस्त अहबाब कहीं ना कहीं मेरा ताल्लुक आया होगा काम के सिलसिले से, और आपको इतना तो यकीन है कि काम करने वाला लड़का है, काम करते रहता है। कोई कोकन बैंक के जरिए हो, दीन के जरिए हो, दुनियाई तार हो, या सियासती जिंदगी में महापालिका या कुछ काम हो, एक तो आज आपको फर्क सबसे पहले लगा कि आपको ऐसे नुमाइंदे को चुनना है जिधर बिना किसी डर के, बिना कुछ के आप एक मेमोरेंडम तो दे सकते हैं। इसके पहले इतने आपने आमदारगी के इलेक्शन में दिए, किसी ने पहले आपको पूछा कि आपके मसले क्या है, पूछा किसने आपकी तकलीफ क्या है, डिमांड क्या है, आए डॉलर किए 10 पुलिस, हिंदू मुस्लिम जिहाद 20 और गाड़ी में बैठ के भाई अपनापन महसूस हुआ, यही एहसास दिलाने को हमने इब्राहिम भाई को कहा था, थोड़ी सी मेहनत कीजिए, लोग नाराज रह गए, कतरा रहे रहेंगे, नजीब से मोहब्बत है, पर नजीब से मोहब्बत होने के बाद में नजीब के साथ जो एक पार्टी है उससे हो सकता है हमारे इख्तलाफात है, नापसंद भी रहेगी, तो हम इसको वोट दे या ना दे, आवाज आ रही है ना, ये बात की वजह से कहीं तभी कतरा रहे होंगे आप, कुछ दो हफ्ते पहले जावेद तबीर कौन सी बिल्डिंग है वो क्यों वहां पर बहुत से सेक्रेटरी और उनकी मीटिंग थी, आपको जो पहला मुद्दा है ना ये आज आपने लिखा है, उस मीटिंग में कोई मेमोरेंडम नहीं था, कोई डिमांड नहीं थी, मगर एक फिकर उसके साथ साथ दूर अंदेशी विजन, तीसरा जज्बा खिदमत, खिदमत अलग अलग तरीके की होती है, किसी को कलेक्टर ऑफिस में काम अटकाए चले गए फोन किए वो भी एक खिदमत है, किसी को हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात करने को चले गए वो भी खिदमत है, किसी के लिए पुलिस स्टेशन में गए, किसी का पानी मसला, किसी का टैक्स का मसला, किसी का एडमिशन का मसला, किसी का बैंक के कर्जे का मसला, कुछ भी मामला हो सकता है वो खिदमत में आता है, तो जज्बे खिदमत क्या साथ खेता है, वो नुमाइंदे हैं जो आवाम की जरूरत है, क्योंकि अल्लाह ने हमको जब एक आलिम होता है जो दीन के अंदर काम करता है वो आलिम तो बन जाते हैं, मुफ्ती बन जाते हैं, फिर वो जब खिदमत में लगता है तो बड़े से उनकी मुलाकात होती है, उसके बाद में आलिमों से मुफ्ती से अच्छे अच्छे लोगों से मिलते, वहां ख्यालात एक दूसरे के सामने शेयर करते हैं और उनको उनके अंदर कुव्वत बढ़ती है, वो अच्छे से और मसले का हल करते हैं। सेम मामला हमारा है, बगैर मांगे हमने कहा था कि इस दौर का मुमरा में सबसे पहला नशेमान ये वो सब तो मेरे चाचा ही थे आर्किटेक्ट एम एच बापे साहब, आर्किटेक्ट जो थे सलाम रावल के और इनके मोहम्मद हुसैन बापे साहब, उस दौरान पे फिर एक एकॉर्ड कॉम्प्लेक्स था जो बचपन में हम जब राबोड़ी से कोई कौसागांव या रिश्तेदारी में आते थे शादी में देखे एकॉर्ड आलिशान कॉम्प्लेक्स था, लोग मुमरा के उस दौरान में वफा पार्क देखने को आते थे, ये बात सच है, आज बिल्डिंग का 20 साल पुराना एलिवेशन देखो, सुल्तान मालदार, इम्तियाज पीरजादे, मुश्ताक खोद, शोएब परडी, इकबाल सरदार, राशिद खान, क्योंकि ये वफा के आपके सब चेक कोकन बैंक में गए थे,
इनका अकाउंट कोकन बैंक में था। रामराणा देशमुख साहब वफा का उस दौरान पत्रकार ने बोले तो सर रशीद ये जब पना था अब 15 साल आपने आपके आमदार साहब को मैं मानता हूं पहले मैं माजरत चाहता हूं बेशक ये हैदराब में मैं आया था इब्राहिम भाई को लिया था जब वो समाजवादी में थे जावेद दबीर इकबाल सरदार को बुलाया था मैंने और कल्याण से वो आते थे मेरे लिए मेरा ननियाल कल्याण का है डोन फैमिली का अम्मी डोन फैमिली के कल्याण के तो वो उनको बुलाते थे हम लोग और मेहनत करते थे मैं मानता हूं बट क्यों अलग हुआ वो मुख्तसर आराम से आपको बताऊंगा बेशक आपको आप ये कहोगे कि बेटा तूने अच्छा किया। आज वफा बनने के बाद 15 साल आपने शादी में बुलाया होगा बड़े बड़े हदीस के बयान बीजेपी का कितना डर है कितना इस देश खतरे में है इस्लाम कितना खतरे में है ये बातें आपने सुनी होगी। वो इंसान को कभी लगा कि हर सोसाइटी की हर बिल्डिंग की एक उम्र होती है जैसे एक इंसान की उम्र होती है हमारी हालात अल्लाह ताला के हाथ में इसको 30 साल का सर्टिफिकेट इंजीनियर देता है कभी उनको लगा कि ये बिल्डिंग कल खस्ती हालत में होती है तो ये वो मालिक जिसने बनाया उसकी मोहताजी आएगी आपके सर पे क्योंकि जमीन आज भी आपके नाम पे नहीं है ये बात सच है। इसीलिए आपने पहला मुद्दा लिखा क्योंकि जमीन आपके नाम पे नहीं इसके लिए पहला मुद्दा निकला कन्वेंस डीड। क्यों मोहताजी चाहिए ये बिल्डिंग लीगल है कभी उनको लगा कि यह आवाम ने आपके ऊपर एतबार करके मैं दो अंदाजों में बोल रहा हूं मैं आपको आपके मसले बता रहा हूं उस स्थानीय आमदार जो आज जिहाद बीजेपी इस्लाम तीन विशालगढ़ चाचा मनियार चाचा ये जो बात कर रहे जो आपके पास आ रहे आप बीजेपी के नाम से हमारे बारे में बदगुमानी फैला रहे वो 15 साल में उनको कभी लगा ये कन्विंस करे नहीं उनको कभी लगा कि 2.5 साल में हाउसिंग मिनिस्टर हूं हाउसिंग मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र वो ऑफिशियली म्युनिसिपल कमिश्नर को बुला सकते हैं बात कर सकते हैं कि यह आवाम को मुझे ओसी देनी चाहिए ये लोग जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया होता तो मैं मंत्री नहीं बनता पैसे नहीं कमाता तो मैं आज इलेक्शन में हर सोसाइटी को सेक्रेटरी को पॉकेट नहीं बेचता वोट 2000 में नहीं खरीदता। ओसी नहीं आ सकती ओसी आ सकती थी आपकी ओसी है इंशाल्लाह आप एक बार भरोसा करो ये गेट के बाहर निकलने दूंगा सब्जेक्ट तू कहा आपकी हाजिरी लगे आपको ओसी भी लाके दूंगा आपको कन्विंस भी करा के दूंगा क्योंकि आपकी सोसाइटी मैं कानून बताता हूं पावर ऑफ Welcome to the world of Amamore Entertainment. Bluetooth mode. एक को बंद करो सुनो ना उसको इधर रखो ना स्पीकर 2018 में आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड है 2019 में वोट मांगने आए थे उनको ख्याल भी आया कि मैं जिससे वोट मांग रहा हूं वो ना कभी पैसे की मदद के लिए आए ने ना कभी वो पुलिस स्टेशन के लिए आए ने ना कभी वो दवा के लिए आए ने ना कभी वो एडमिशन के लिए आए ने मगर तो भी ये मुझे वोट देते हैं तो मेरा फर्ज बनता है मैं इनके हाल चाल पूछूं इनके मसले समझूं।
सीधी सी बात है, सोसाइटी एक्ट के अंदर क्लियर कट प्रोविजन है, आप डीम कन्विंस के लिए जा सकते हैं। मुझे रसूख तो मैं तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ताकत कुवत सीरत सलाहियत तासीरत जबान में दी है कि बगैर अंदर के भी मैं आपके काम कर सकता हूं, मगर करना चाहत ज्यादा है, इसके लिए इलेक्शन में खड़ा हूं कि कहीं तभी आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही। हमको सिर्फ वोट में वापरा जा रहा है, बट हमारी फिक्र नहीं की जा रही है। ओसी करा के देंगे, कन्विंस करा के आपको देंगे, यह हमारा वादा है इंशाल्लाह। इतना ही नहीं, नहीं नहीं वो तो बाएं हाथ का काम है, महापालिके का है, उसी महापालिका की है। इतना ही नहीं, मैं आप जो बयान कर रहा हूं ना, हो सकता है कि एक बहुत बड़ी पैसे वाली तादा ताकत मेरे खिलाफ उतरेगी, मगर अल्लाह ने जो मुझे नसीहत दी है, जो मेरा आदत है कि मैं उस ताकत के खिलाफ लड़ूंगा, क्योंकि उसके अंदर आवाम का सबसे ज्यादा फायदा है। आज आपके पास में ये कॉम्प्लेक्स लेआउट अप्रूवल है, ये एक लेआउट में अप्रूव्ड है, सिंगल बिल्डिंग नहीं है, बराबर है। अब आप मैं बताते जा रहा हूं, तुम्हारे भी ख्याल में नहीं आएगा कि तुम ऐसे शख्स को वोट दे रहे हैं जो डॉक्टर भी है, जिसके पास दवा भी है, जिसके पास रास्ता भी है, और अल्लाह की दीवी कुवत भी है, जो घर बैठे आपके मसले हल कर दे सकता है इंशाल्लाह। आपका लेआउट अप्रूवल है, जिस दौरान ये प्लॉट डेवलप हुआ था इसके अंदर जमीन का 25% आपको गार्डन देना है, प्लेग्राउंड उसमें बनाना है, ओपन स्पेस देना है, ये कंपल्सरी लिखा हुआ है। ये बात मानते हैं, हाय आपके ताबे में किधर बच्ची जगह पे इलीगल बिल्डिंग बन रही है, बताइए। आपने 15 साल ऐसे शख्स को जीत के दिया जिसके दरवाजा तो है ही नहीं, क्योंकि उसके ऑफिस ही नहीं है यहां उनकी। मेरे इंतजार में बताऊंगा तो आप फुर्सत में बताऊंगा कि आज तनकीद कर रहे थे इतने साल कहा था, मैं बताऊंगा सिरे में इंशाल्लाह कि 15 साल में ऑफिस नहीं है कि सेक्रेटरी या मेंबर उठ के जाए कि हमारा ये सेक्रेटरी का फर्ज है और ये लेआउट के अंदर इलीगल बिल्डिंग बन रही है, ये पैसे कमा के हमारे हक की खुली जगह पे दे के जा रहे हैं, इसको रोको। है कोई जगह? आपने उस दौर में जो फ्लैट खरीदा रहेगा पूरे मुमरा में सबसे महंगा खरीदा रहेगा, दबीर साहब बरबर क्या नहीं खरीदा रहेगा, तो क्या आपका हक नहीं है क्या आप आपके हक के लिए लड़े मांगे? कोई ऐसा आदमी है जो बोले हम आपके लेआउट के अप्रूवल के प्लान्स निकाल दियो, मुझे वक्त नहीं मिला। ये टैक्स का मामला है बेशक मैं जानता हूं, इसमें टप्पे टप्पे में बिल्डिंग बनी है, हाँ ये 8वां 9वां 10वां माला बाद में बना है, इसके लिए रेट बाद में अलग आया होगा। मैं आपको बोल रहा हूं ना, क्योंकि जो उसका रेट होता है रेट बदलता है इंशाल्लाह, इसके ऊपर भी क्या कर सकते मैं बताऊंगा। बट सबसे पहले आज ये बिल्डिंग मेरे ख्याल से तकरीबन 2000 साल में बनी है, 95 में बनी है। आप सोचिए 95 ओसी 97 की है, हाँ सॉरी बिल्डिंग बनी है 95, प्लान सैंक्शन कॉपी, लाइट मीटर 95 का रहेगा, टैक्स 2000 से तो रहेगा। आज 3 साल बाद या 1 साल बाद समझो पोजीशन का पूरा हुआ रहा, आप इलिजिबल है 50% रहते हुए घर के एक्स्ट्रा FSI फ्री में, डिलैपिडेटेड बिल्डिंग का फ्री में 30 साल के बाद 50% आपका घर फ्री में FSI है, कॉरपोरेशन देती है, मगर सब चीज बेकार, क्योंकि ना आपके नाम पे जमीन है ना आपके पास ओसी है। तो क्या आप ऐसा नुमाइंदा चुन के नहीं देना चाहेंगे जो अपनी जेब भरने से ज्यादा आप लोगों को सहूलत दे और आप लोगों की जेब भरे? आप नहीं देना चाहोगे?
क्योंकि हम फिक्र में है कि अल्लाह ने हमको कुव्वत दी है, कुर्सी दी है, तो कल मेरे को आखिरत में पूछा जाएगा कि तेरे को ताकत और दिमाग भी दिया था, तू जो जबान से बात करता था अधिकारी गुलाम की तरह सुन के काम भी करता था, तेरे में समझ भी थी, तो तूने क्यों इनको फैज पहुंचाया नहीं, मैं तो गुनहगार हो जाऊंगा। मगर आज आप जिसको चुन के देते हैं वो क्या बोलता है, क्यों दू बामने साहब तुमको, क्यों दू दबीर साहब, क्यों असलम भाई, क्यों दू, तुम्हारे पास में कोई है चॉइस? सोचो, मेरे अलावा किसी को सोचे तो बीजेपी आ जाएगी, मेरे अलावा किसी को देखे तो इस्लाम खतरे में होगा, मेरे अलावा किसी को देखे तो ये मस्जिद आबाद नहीं होंगी। मुमरा कौसा में 2014 से 19 तक इस राज्य में बीजेपी सरकार थी 5 साल मुकम्मल तौर पे विद सिंगल मेजोरिटी। भले मैं मानता उस दौरान पे राष्ट्रवादी नहीं साथ दी थी पवार साहब ने, आज उस होते हुए क्या हमारे मस्जिद ने बने मुमरा कौसा में, क्या हमारे घर ने बने, क्या हमारे मदरसे ने बने? ये तो कोविड के बाद रस्ते पे नमाज पढ़ना बंद हुआ, उसके पहले के वो दौर में नमाज रस्ते पे नहीं पढ़े, पढ़े ना, तो हमको किस बात का डर? और आप घड़ी निशानी पे वोट मांगने आए हम लोग, क्या आपके पास में हम कमल भी मांगने हैं, घड़ी की निशानी पे मांगने हैं, ये बात सच है? जब जितेंद्र आवाड़ साहब खुद की सहूलत के लिए पिछले 2019 में आपको कहा कि बाबरी शहीद करने वाले 92 के दंगे करने वाले धनुष्यमान को आप वोट दोगे, ये कहा प्रचार में? एक महीने बाद जीत के बाद तो उनके साथ में सरकार में बैठे, 2024 में खुद ने ही बीजेपी की सरकार में जाइए सब आमदारों के साथ लेटर साइन करके दिया। उनकी सहूलत में गुमराह, जबकि हमको यह सिखाया जाता है गुमराह करना भी लोगों को एक गुनाह है, जैसे सही है ना, गुमराह करना भी गुनाह है, आलिम कहते गुमराह मत करो लोगों को, गुनाह है ये गुमराह करें। मुझे बताइए कि आप, आपका नुमाइंदा आपके कौम का क्यों नहीं चुन सकते? आप बहुत से रत्नागिरी से ताल्लुक रखते रहेंगे, रायगढ़ से रखते रहोगे, या आजमगढ़ या बहराइच या गोंदिया से रखते, अपना गोंडा से रखते होगे, सिद्धार्थनगर से, वहां वोट कैसा होता है? ठाकुर ठाकुर के लिए लड़ता है, यादव यादव के लिए लड़ता है, वानी वानी के लिए, कुंडी कुंडी के लिए, मराठा मराठा के लिए कोकण में? तो एक मोमिन ने एक मोमिन की ताईद किया तो बीजेपी का हो गया? यानी मुसलमान की तादाद ज्यादा है। हमने 2 साल पहले सबजन गए थे भाईजान, क्या मांगे थे कि हमारे पास 52% है सिंधुदुर्ग से लेकर पालघर तक, पालघर से लेकर नासिक, नगर, पूना, सोलापुर, कोल्हापुर, सांगली, सातारा, नांदेड़, उस्मानाबाद, ये सब जिलों में एक मुसलमान आप हसन मुशरिफ को देते हो, वो भी गैर पसंद करते, हमारे हिंदू भाई लोग पसंद करते, इसके लिए हमारी एक ही वाइट सीट है जिधर बंबई छोड़ के 50% ज्यादा मुसलमान है। जब मराठा अपने हक के लिए लड़ता है, कुंभी अपने हक के लिए लड़ता है, यादव अपने हक के लिए लड़ता है, हमारे में तो ये तबका नहीं है, हम तो मोमिन तो एक है, ये हमको सिखाया गया इस्लाम में, तो हम हमारे लिए सीट मांगे तो कोई गुनाह किए? और जब आप, मैंने पवार साहब को कहा, पवार साहब के बीच में जब पार्टी टूटी नहीं थी मार्च महीना 2023 में, कि साहब हम क्यों ना, मुझे मत दो मशाल चिंगारी, मैं चलाया हूं हक के लिए, मुझे मत दो, कोई तभी मोमिन को दो, और आपके अवार्ड साहब को बोलो कि आप इतनी बड़ी बातें करते हैं, आप इतने महाराष्ट्र के नेता है, वो मुसलमान को कलवा से आप वोट दिलाओ और उसको जिताओ, भले सैयद अली भाई साहब को दो आप, जहां हमारे को हमारे हक की, हमारे हिस्से की जरूरत है, तो सेक्युलर नाम का एक शख्स आ जाता है, कम तादाद में तो पूछना ही मत। तो हमने सिर्फ वोट देने का ठेका लिए, हमने क्या सिर्फ वोट देने का ठेका लिए, हमने क्या मोहताजी का ठेका लिया है क्या दूसरे के दरवाजे पे जाए?
आज अपने कौम के लोग हैं, अपने इसके लिए सोच के आया ना मैं इनका काम क्या कर सकता हूं। ये गुर्मी को तोड़ना, आप महाराष्ट्र के अंदर इतिहास बनाने वाले। आज नजीब मुल्ला को जिता के पूरे महाराष्ट्र में एक रास्ता बताओगे कि जहां छोटे मोहल्ले हो, बड़े गांव हो, छोटे गांव हो, जहां हमारे मोमिन माइनॉरिटी के लोग है उनके वोट दूसरी जगह जा सकते हैं, बशर्त आप काम करो, हमारी खिदमत करो, गुरूर और तकब्बुर से दूर रहो। आप हमको टेक फॉर ग्रांटेड मत लो। दो दिन पहले एक मिल्लत टाइम्स करके कासमी तबरेज कासमी ना दिल्ली के शम्स तबरेज कासमी साहब का इंटरव्यू था मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के, उसमें उन्होंने क्या कहा, मायूसी है। इन्होंने हमें टेक फॉर ग्रांटेड लिया है। किसने? महाविकास आघाड़ी सेक्युलर फोर्स ने। ये कहा कि हमने 25 सीट मुसलमानों की मांगी थी, जहां हम 31 खासदार, 200 सीट के खासदार हमने जब चुन के दिए दिल्ली में, मुसलमान के इत्तेहाद पे, सेक्युलर के इत्तेहाद पे हमने चुन के दिया, पूरे 288 में 25 मांगे, 10% भी नहीं, तो आपने हमको डिनाई किया। एक सीट दिए शरद पवार साहब ने, उलेमाओं की मीटिंग लेते, और वह अजीत पवार जिसने चिल्ला चिल्ला के कहा कि मैंने मेरे सेक्युलर शाह फुले अंबेडकर को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, मैं बीजेपी की सरकार में गया, अजीत पवार ने कहा तो मेरी शर्त यह थी कि जब तक अजीत पवार कैबिनेट में रहेगा मुसलमानों को महफूज रखेगा और आवाज उठाएगा। ये कहा उसने, 8 सीट दी, 6 थी मैं नहीं, सब 6 सीट दी, जिसकी औरत को भी मुसलमानों ने वोट नहीं दिया क्योंकि वो माहौल अलग था, 6 सीट दी, इतना ही नहीं। 2 आमदार की थी 14 अक्टूबर आचार संहिता लगने के पहले, 2 ही सीट मिली, 3 बीजेपी ने ली, 2 शिवसेना मिली। वो तो एमएलसी है, उसमें तो आप लोगों की वोट की जरूरत नहीं है, बट उसने कहा कि महाराष्ट्र 1971 जब से महाराष्ट्र तामीर हुआ है पहली बार ऐसा दिन है कि विधान परिषद में एक भी मुसलमान एमएलसी आमदार नहीं है। क्यों? कांग्रेस नहीं देने सकती थी, क्यों शरद पवार साहब नहीं दे सकते थे, क्यों शिवसेना देने सकती थी, बीजेपी और दूसरी शिवसेना छोड़ दो आप, दे सकते थे ना। उसने कहा पहला ऐसा दिन है, 3 महीने हो चुके एक भी मुसलमान नहीं है, ये कौम को आवाज की जरूरत है, मजबूत करने की जरूरत है। सोचो वो इंसान को सिर्फ 2 सीट मिली है 7 में से, उसमें तुम्हारी वोट की भी जरूरत नहीं है, 3 महीना पहले खासदारगी में आपके वोट से धोखा खाया है वो इंसान, तो भी उसने कहा वो वोट दे या ना दे, मैंने कसम खाया था मैं इनको ताकत दूंगा। 1 सीट माजी महापौर सांगली मिरज कुपवाड़ा के इदरीस नाइकवाड़ी को दी। एक मास्टर का बेटा, एक टीचर का बेटा महापौर था, उनको मैं मिलाया था, महाराष्ट्र का सदर बनाया न्यू बॉम्बे पर, मेरे को पूछे बाबा सिद्दीकी साहब को देना था, इंतकाल हुआ, सोचो बाबा सिद्दीकी साहब को देने का, इंतकाल हुआ है, शनिचर को इंतकाल हुआ, पीर को कैबिनेट में वो आमदार होने वाले थे, उसने फैसला दूसरों को देने का नहीं किया, मैंने नियत किया मुस्लिम को ताकत देने की, और मुस्लिम अल्लाह ने उसको ऊपर बुला लिया है तो मैं कोई मुस्लिम को ही दूंगा, नाम पूछा, हमने नाम दिया और उसको ताकत दिया। क्या हम बीजेपी के साथ है? आप ये सवाल करोगे क्या? सही है, आप शिवसेना के साथ बैठो, मैं जितेंद्र आव्हाड साहब आपके प्रचार में आएंगे, उनके करीबी आपके प्रचार में आएंगे, खाली उनको एक पूछो कि जितेंद्र आव्हाड साहब आपके ऊपर 96-97 में जब एक करप्शन की सरकारी जमीन की अफरा तफरी की गुनाह दाखिल हुआ था, एंटी करप्शन का, 7 दिन अंदर या 3 दिन अंदर थे, वो गुनाह चलता रहा, क्या आपने गोपीनाथ मुंडे उस दौरान पे बीजेपी की सरकार थी 99 तक, 95 से 99 बीजेपी और मनोहर जोशी सीएम थे, बाद में नारायण राणे थे, कि आप उनके रोज दरवाजे पे जाके पैर पड़ के आपने आपका गुनाह माफ कराया कि नहीं कराया? वो एक सवाल पूछो, बाकी के 2 सवाल और दूंगा। ये हमारे को एक मोमिन खड़ा है जिसको हिंदू पसंद कर रहे। कल रैली देखो, 3 घंटे की रैली में 2000 औरतें चली 5 किलोमीटर,
मराठी औरतें दुआ दे रही थी, दुआ, बुड्ढे लोग उतर के खारे गांव पारसिक में दुआ दे रहे थे, आरती निकाल रहे थे, यहां टीका लगाए, ये तो शिर के मुझे किसी ने बताया यहां लगाना, आरती निकाल, दुआ देने को अपने बच्चे को आ रहे थे, वो भी बदसल हो गए कि हमको हिंदू मुस्लिम के झगड़े से निकालो। अब 15 साल काम किए ना, तो 15 साल काम करके आपको पानी मिला? 8 टाकी के पैसे नजीब मुल्ला ने महापालिका से पास करके 2018 में दिया, एक भी टाकी नहीं है। आपके अंडरग्राउंड टाकी है जिसमें मच्छी की बात आती है, इसे कुछ बिल्डिंग वाले बताए, गंदा पानी आता है इसे बिल्डिंग वाले बताए, क्या एक पानी की ओवर टैंक नहीं आ सकती थी? काम की बात करो, काम करने आज जो बात यहां करते हो, और इतनी हिंदू मुस्लिम और दीन की चाचा की बात करते हो, मनियार चाचा तो मेरा फर्ज था, चाचा ने खुद ने कहा कि नजीब मुल्ला पहला था जिसने मदद किया और गुनाह दाखिल किया। जब एक पत्रकार ने तुमको फोन किया तो दूसरे दिन गए वीडियो बनाए, मैं क्यों वीडियो बनाऊ, मेरे कौम का काम है, मैं क्यों बनाऊ, मेरे सवाब का काम है। किसी मोमिन के ऊपर अत्याचार हुआ और अल्लाह ने आपको ताकत दी बनाया और मैं उसका वीडियो बना के नुमाइश किया तो मेरी नेकी जाएंगी चाचा? मैं क्यों नेकी गलाऊ, मेरी वोट नहीं मिले चलेगा? चार मुझे कहा मेरे दोस्तों ने कि भाई तू 95% काम करता है, तू वीडियो ना बनाता, वो 5% में बनाता, मतलब भाई उसको चलने दो उसके रास्ते पे, मेरे को मेरी आवाम के ऊपर भरोसा है कि वो साथ देगी। आपको सिर्फ बीजेपी के नाम पे, दीन के नाम पे गुमराह कर रहा है। विशालगढ़ की बात करते हैं तो आप दरगाह विशालगढ़ की बात करते हैं तो विशालगढ़ का जो हादसा हुआ वो संगठन तो आपके कांग्रेस के खासदार साहब राजा साहब के बेटे की थी। मुसलमानों के विशालगढ़ वाले ने वोट नहीं देते जिनके घर टूटे? आप मगरमच्छ के आंसू बह रहे, मगर आपके जाने के पहले देखो, तो इंसान होता है, पता चला मेरे को कि आपके ओसी चाहिए, सोचा तो आपको कहा मैं ओसी दूंगा, मुझे पता चला इनका कन्वेंस नहीं हुआ तो आपके मांगने के पहले लाया, कन्वेंस आपको करके दूंगा, ये खिदमत है। बगैर बुलाए तीसरे दिन अजीत पवार साहब शाम को विशालगढ़ पहुंचे, पूरे डिपार्टमेंट को लेकर पहुंचे, पुलिस डिपार्टमेंट कलेक्टर को कहा जिसकी गाड़ी टूटी है, घर टूटा है, कांच टूटी है, मोटरसाइकिल टूटी है, मस्जिद का जो टूटा है सबका पंचनामा करो, उसका नुकसान आया वो गांव का 2,43,00,000 रुपए, गरीब लोग थे, ताबड़तोब सरकार से 4 दिन के अंदर उनको मुआवजा दिलाया। किधर पेपर में पड़े खाने, उस दिन का न्यूज निकालो अजीत पवार ने खड़े जाके वो आवाम को पूछो। तो हमारी सीरत अच्छी है, सलाहियत अच्छी है, आपके रिश्तेदार पनवेल में होंगे, पनवेल गांव में मुकीत काजी साहब, पटेल साहब, नवीद पटेल, और उनको पूछो कि नजीब मुल्ला और अजीत पवार ने कैसे वो मोहल्ले की मदद के, जबकि वहां आमदार तो प्रशांत ठाकुर था। मीरा रोड में जाके पूछिए, जब पुलिस ने परमिशन दी थी मोर्चा निकालने की डी राजा और नितेश रानी की, वहां तो आमदार दोनों बीजेपी और शिवसेना के थे, तो अजीत पवार ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कैसी वो परमिशन दबाव डाल के कैंसिल कराया, होम मिनिस्टर तो बीजेपी के थे। हमारी नियत देखो ना कि कौम को कभी बेचे है क्या, ये हिंदू मुस्लिम बीजेपी क्या है? आपका बेटा आपका भाई हक से तो बुला सकते हैं, ऑफिस डालो छोड़ो ऑफिस, जुम्मा की नमाज में खुतबा सुनते वक्त तो आजू बाजू मिलेंगे, नमाजे जनाजे में तो बाजू में मिलेंगे, कहीं तभी मिलेंगे जब पकड़ सकते हैं। क्यों नजीब वादा करके दिया था, क्या हुआ? माफी चाहता हूं, पूछ सकते हैं क्यों देशमुख साहब 15 साल सदर था, पूरी बैंक का कारोबार पैसे का मेरे पास था, 1 रुपए का इल्जाम है पैसे का? हाँ देशमुख साहब आप मेरे साथ काम किए, 1 रुपए कोई मुआवजा लिया? ऐसे साफ सीरत वाले के ऊपर आप जैसा पढ़ा लिखा तबका, अल्लाह ने आपको माली हालत से नवाजा है, कामकाज में आप ये, वो ये सोच करके गुमराह कि उनके नाथ में चल रहा है। हम हमारा सियासती करियर निकाले कब्रस्तान, हमने काम किए कि नहीं किए? कब्रस्तान के वीडियो लोग निकाल रहे थे, 2 साल से कब्रस्तान का मसला चल रहा था, कोई इंसान को लगा नहीं कि मैं मसला हल करूं, हाँ 2 मिनट मसला हल करूं। 5 करोड़ रुपए लाए स्कूल के लिए, 5 करोड़ 53 टीचर, 5 करोड़ मीडियम स्कूल के लिए, प्लेग्राउंड, स्विमिंग पूल। मैं आपको वादा करता हूं आपका रोड 30 मीटर का है, आज खूबसूरत वफा में भी आने को
आपको गली लानी पड़ती है। मैंने मेरी बड़ी गाड़ी छोड़ के मुमरा में घूमने को छोटी गाड़ी में घूमना चालू किया। मुझे मालूम है आपको रस्ते की जरूरत है, आपको पानी के मसले की जरूरत हल करने की जरूरत है, आपको उसी की जरूरत है, आपको कन्वेंस डीट की जरूरत है। एक मौका दीजिए, बीजेपी के नाम पे गुमराह होके मत चलिए। जिसने 15 साल लूटा है, मैं आपको वादा करता हूं टोरेंट भगाऊंगा। एक लास्ट बात करता हूं, एक लास्ट बात, बहुत वक्त ले लिया आपका, क्योंकि बहुत जज्बात से हम लोग लड़ाई लड़ रहे। हम लोग हमारा करियर दाव पे लगाए ले, पेतरे चल रहे, दादागिरी चल रही, खत्म करने की बात चल रही है। बाबा बुआ आके बैठे ले हमारे को, बीमार चल रहे, सलाइन लगा रहा हूं और निकल रहा हूं। हरूंगा ने बेड़ा उठाया, क्योंकि मेरे साथ जो जुड़े हुए ये इसको घर पे बुला के बोले होटल छोड़ेंगे। साहिल ये बोला मैं पीछे नहीं हटाऊंगा, कब्रिस्तान का मसला बोलूंगा। हम निकले हैं इंशाल्लाह आपकी दुआ लेके। एक ही कहता हूं, वो कह रहे हैं कि मेरे को मौका, एक महीने के बाद मैं मंत्री बनूंगा, आप मुझे जिताइए, मैं एक महीने में टोरेंट भगाऊंगा। ये बात सुने आपने, भगाऊंगा ऐसा आवाज सब कह रहे। मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूं, टोरेंट आई 1 मार्च 2020 को, अवार्ड साहब मंत्री बने दिसंबर 2019 को। टोरेंट चार्ज लेने के पहले 3 महीने उनके पास थे, और उसके बाद आपके वोटों के कर्ज के तौर पे अल्लाह ने उनको 2.5 साल कैबिनेट मंत्री ऑफ हिंदुस्तान का सबसे पावरफुल स्टेट का मिनिस्टर बनाया। कैबिनेट 2.5 साल थे जब ही उनको लगा ने टोरेंट भगाना। आज नजीब ने चिंगारी बजाया है, आज आप लोग ने मदद की है, तो टोरेंट की याद आई। ऐसे झूठे इंसान को आप फिर से गुमराहों के वोट देना चाहेंगे कि आपके बेटे, आपको भाई को, घड़ी को वोट देना चाहेंगे? ये फैसला आपका। मैं सिर्फ 2 चीज कहूंगा कि आप मेरी को दुआ में शरीक रखिए जरूर। मैं तो अल्लाह से रोज दुआ मांगता हूं कि अल्लाह इनको दिल में मेरी सच्चाई का यकीन दिलाए कि ये घड़ी के निशानी के ऊपर वोट देके जो तब्दीली इस आवाम को लाने की है, जो ताकत अल्लाह ने मुझे दी है, वो खिदमत के लिए मुझे मौका दे। 20 नवंबर को घड़ी को याद रखेंगे। यही कह के मैं अपने अल्फाज खत्म करता हूं, और ये जो वादा है ये मेरा फर्ज है इंशाल्लाह। ये मैं तो ऐसा भी कर सकता हूं, मैं कर दूंगा, आपको वकील दूंगा, एप्लीकेशन दूंगा, असलम भाई को मैं ये करके दूंगा, आपको उनके हाथ से आए थे इसके लिए, असलम भाई मैं करके दूंगा। मेरा मोबाइल नंबर ले लो, मैं फोन उठाया नहीं तो टेक्स्ट मैसेज करना। व्हाट्सएप मैं देखता नहीं हूं, मुझे व्हाट्सएप देखना है तो लोग टेक्स्ट करते कि आप व्हाट्सएप चेक करो, मैं व्हाट्सएप देखता नहीं हूं। टेक्स्ट मैसेज करो, मैं रिप्लाई करूंगा, और बेशक दुआ के साथ साथ उम्मीद रखूं घड़ी के निशानी को वोट गिरेगा। और आपको जो कहो अल्लाह को गवाह रख के सच कहो, खुले आसमान के नीचे कहो, क्योंकि हमें कब्र के अजाब का डर है, आखिरत का डर है। अल्लाह हाफिज।